पहली बात तो ये है कि जितनी भी रिसर्चेज हैं वो कहती हैं दाखिला करके हमेशा बेहतर इलाज होता है। उसमें बेशुमार फैक्टर्स हैं जो इन प्ले होते हैं, कि पहली बात तो यही कि वक्त पे सही दवाई सही मकदार में मिल जाती है, पहली बात ये। क्योंकि ऐसी बीमारी में मरीज़ या फिर घर वाले कंप्लायंस का इशू बहुत आता है। दाखिले में सबसे ज़रूरी बात तो ये हो जाती है। फिर दाखिले में ये है कि मरीज़ ख़ास तौर पर बहुत सारी बीमारी जैसे सुसाइडलिटी हो, खुदकशी के ख्याल आते हो, खुदकशी करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो घर में प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दाखिले में ही जो है वो जो साइकेटिक वार्ड है वो ऐसे बने होते हैं कि कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके, तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। फिर जो है दवाई की हम हायर डोजेस दे सकते हैं, मरीज़ हमारे सामने होता है, ज़्यादा डोज में दवाई दे सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट अगर हो तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर के सामने होता है, बहुत सारी चीज़ें हम ज़्यादा और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसकी नर्सिंग केयर भी होती है, उसकी उसकी नींद का, उसकी एक्सरसाइज का, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स का भी ख्याल रखते हैं। फिर इन बीमारियों में हम जो अटेंडेंट होता है मरीज़ से, घर वाले होते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आ जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो मरीज़ से गुस्सा भी करते हैं, बहुत सारे लोग मारते भी हैं मरीज़ को, खुद भी परेशान होते हैं। तो इससे जो घर वालों की परेशानी भी बहुत कम होती है। अब वो 24 घंटे तो मरीज़ का ख्याल नहीं रख सकते, नौकरी पर भी जाना है, दूसरे काम भी करने हैं, और भी बच्चे हैं, वो इसी में लग जाएंगे तो पूरे घर की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ऐसे मशीनी इलाज कर रहे हो, ECT चल रही हो, तो आप दाखिले में अपने सामने देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, कितने देनी है, कब कब देनी है, साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो कैसे ख्याल रखना है। तो इनिशियली दाखिल करना जब बीमारी शदीद हो और या कुछ ऐसी चीज़ें हो जैसे अपने आप को या दूसरों को नुकसान करने का एलिमेंट हो, तो इन कंडीशन में दाखिला जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूर दाखिल करना चाहिए, और चंद हफ्तों के लिए, महीने के लिए साइकेट्रिक पेशेंट हम कहते हैं कि दाखिल ज़रूर करवाएं, उससे बेशुमार फ़ायदे होते हैं घर वालों को भी और मरीज़ को भी। हम अब मेरा कल टाइम ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का, तो इसमें मैं थोड़ा सा फ़र्क आपको बताऊं, मसला ये होता है कि फाइनेंशियल इशू आ जाता है काफ़ी, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए वो नहीं करा पाते। मैं यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और मैं सरकारी अस्पताल में भी काम करता हूँ, तो दोनों जगह मैंने बहुत फ़र्क देखा है। यहाँ के पेशेंट कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब दाखिल नहीं करें, और ये वो वजह कुछ भी हो, फाइनेंशियल रीजन तो होता ही है बहुत बड़ा, और सरकारी अस्पताल में पीछे पड़े होते हैं डॉक्टर के, डॉक्टर साहब प्लीज़ दाखिल कर लें, इसको रख लें डॉक्टर साहब, इसको दाखिल कर लें, क्योंकि वो फ्री होता है। और वो तो ये एक बहुत बड़ा वजह होती है, तो जाहिर सी बात है इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जिसको बहुत ज़रूरत होती है फिर हम उसको कहते हैं कि आप ये जो है ये फाइनेंशियल बर्डन भले से बर्दाश्त करके इसको दाखिल ज़रूर कराएं, ये आपके लिए भी और आपके मरीज़ के लिए भी ज़रूरी है। फिर हम यहाँ कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो नहीं कर पाए तो उसको हम कुछ ना कुछ ज़कात से भी मदद कर देते हैं अगर हमारे पास होती है तो। ठीक।